Today we are going to discuss about the castor oil seeds poisoning, जिसको अरंड भी कहते हैं और बेद इंजीर भी कहते हैं. इसके जो प्लांट्स होते हैं वो तकरीबन 10 से 15 फुट लॉन्ग होते हैं और जो कि खासतौर से बंजर इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में जो अक्सर देखने को मिलते हैं. इसकी जो लीव होती है, देखिए कटी फटी होती है लीव, इसकी कटी फटी होती है और इसके जो सीड्स होते हैं वो सीड्स जो है आपका ओवल, इसके सीड्स जो है वो आपका ओवल सीड्स होते हैं जिनके ऊपर इस तरह के ये ओवल सीड्स होते हैं जिनके ऊपर प्रिंट होता है, डिजाइन सा होता है. तो ये इसके सीड्स होते हैं और इनसे जो है आपका ऑयल निकाला जाता है, इन्हीं के सीड्स से जो आपका ऑयल निकाला जाता है और ये इरिटेंट पॉइजन होता है वेजिटेबल कैटेगरी का. कास्टर सीड जो है आपका इरिटेंट पॉइजन होता है वेजिटेबल कैटेगरी का और इसके अंदर जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है, इनके जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है वो आपका राइसिन होता है. राइसिन जो कि आपका टॉक्सालबुमिन है, टॉक्सालबुमिन यानी कि एक तरह की टॉक्सिक प्रोटीन होती है और ये बैक्टीरियल टॉक्सिन की तरह से अपना एक्शन अंजाम देती है. और जो है इसका सीड्स और ऑयल को जो हम देखते हैं, देखिए इसके सीड्स और ऑयल, जब इसका सीड्स कंप्लीटली पक जाता है, मैच्योर सीड होता है, तो वो पॉइजनस नहीं होता है. इसका इसमें से एक्सट्रैक्ट जो निकालते हैं वो ऑयल निकालते हैं तो ऑयल भी इसका पॉइजनस नहीं होता है. जो पॉइजनस पार्ट होता है वो राइसिन पार्ट जो होता है, राइसिन जिसको हम कहते हैं, वो इसके रेजिड्यूज में बाकी रह जाता है. यानी कि जब इसमें से ऑयल निकाल लिया जाता है, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद जो रेजिड्यूज या अवशेष बचते हैं, जो लास्ट पार्ट बचते हैं उसके, वो उसके अंदर राइसिन होता है, वही पॉइजनस होता है. या रॉ सीड्स, कच्चे बीज यानी कि जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, जो रॉ सीड्स होते हैं अगर उसको लिया जाए तो वो भी पॉइजनस होता है. लेकिन ऑयल को अगर ओवरडोज में ले लिया जाए तो वो भी आपका परगेटिव इफेक्ट जो है वो डालता है. परगेटिव इफेक्ट यानी कि ऑयल में कॉज सीवियर पर्गिंग ऑन ओवरडोज, अगर ऑयल को इसके ओवरडोज ले लिया जाए तो ये सीवियर पर्गिंग पेशेंट को होती है. साइंस एंड सिम्टम्स, देखिए साइंस एंड सिम्टम्स में इसमें क्या है कि अगर रॉ सीड, कच्चा सीड जो है इसका मिल रहा है, उसके खाने पर जो है वो आपका पॉइजनस इफेक्ट होता है. यानी कि रॉ सीड्स प्रोड्यूस सीवियर टॉक्सिक इफेक्ट व्हेन ईट, जब उसको खाया जाता है कच्चे बीज को तो वो पॉइजनस इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर डालता है. इसमें क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगी आपका थ्रोट के अंदर और कुछ वक्त के बाद, और कुछ वक्त के बाद पेट में सीवियर पेन होगा, बहुत ज्यादा दर्द पेट के अंदर होगा, नोजिया इंसान को दिखाई देता है, नोजिया होता है यानी कि मतली करने का, वॉमिट करने का मन करता है और जब वॉमिट होगी तो वो बहुत ज्यादा होगी और पेनफुल होगी, यानी कि दर्द होगा, पेन के साथ जो है आपका वॉमिट होगी और बहुत ज्यादा तादाद में यानी कि मेटेरियल बाहर आएगा और इसके साथ साथ जो है ब्लडी पर्गिंग, यानी कि पर्गिंग जो होगा यानी कि लैट्रिन जो एकदम से आएगी तो उसके अंदर भी ब्लड मिल सकता है और लास्ट और जो है इसमें कॉलेप्स हो सकता है. जब बहुत ज्यादा लैट्रिन होंगी, बहुत ज्यादा जो है आपका पर्गिंग होगा तो उसमें डिहाइड्रेशन होगा, क्रैम्प्स होगा जो कि कॉमनली देखने को मिलता है, कोमा एंड कन्वल्जंस और उसके बाद डेथ जो है वो इंसान की देखने को मिलती है या उसकी डेथ जो है वो आपका मुमकिन होती है. डस्ट ऑफ रेजिड्यूज यानी कि जो ऑयल निकालने के बाद जो अवशेष बचा है, रेजिड्यूज बचे हैं, तो वो अगर स्किन के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो जो है आपका एंटी इंफ्ला यानी कि इंफ्लामेटरी इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर डालते हैं. जैसे आपका अगर स्किन के संपर्क में आ रहा है तो वहां पर डर्मेटाइटिस डेवलप करेगा, आंख में अगर गिर जाता है तो वहां पर कंजंक्टिवाइटिस जो है वो आपका डेवलप करेगा और अगर नेजल कैविटी के अंदर जाता है तो वहां पर राइनाइटिस जो है डेवलप करेगा. और ओकेजनली देखने में आता है कि पेशेंट जो है वो एस्थेमेटिक यानी कि एस्थमा और एलर्जी की कंडीशन भी हो सकती है. मेटल डोज रॉ सीड यानी कि जो रॉ सीड है, कच्चा बीज जो इसका होता है, कच्चा जो सीड होता है, वो आपका एक भी अलार्मिंग सिम्टम जो है वो अपीयर करता है यानी कि नुकसान हो रहा है एक से भी, लेकिन 8 से 10 सीड्स जो है वो तकरीबन 6 mg जो आपका राइसिन कंसिस्ट करते हैं और वही जो है आपका लीथल डोज होती है. फेटल पीरियड अनसर्टेन होता है,
लेकिन इसमें एक दिन में भी डेथ हो सकती है और कुछ ज्यादा दिन में भी हो सकती है, यानी कि टाइम भी लग सकता है और एक दिन में भी हो सकते हैं, तो इसलिए अनसर्टेन होती है इसका फेटल पीरियड। ट्रीटमेंट जब हम देखते हैं, देखिए ट्रीटमेंट, देखिए इसके लिए कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं होता है। स्टोमक वॉश करेंगे हम वार्म वाटर के जरिए, वार्म वाटर से पेशेंट का स्टोमक वॉश करेंगे और एडमिनिस्टर करेंगे, इसको डिमल्सेंट्स भी हम देंगे और स्टिमुलेंट्स भी हम उस पेशेंट को देते हैं। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो डिहाइड्रेशन हुआ है उसको रिकवर के लिए, उसके रिकवर के लिए और जो इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस हुए हैं बॉडी से तो उनके रिकवर के लिए आईवी फ्लूड भी जो है वो आपका पेशेंट को देते रहते हैं। पोस्टमार्टम अपीयरेंस इन कास्टर ऑयल सीड्स पॉइजनिंग, उसमें देखिए आपका बाउल इन्फ्लाम यानी कि आंतों के ऊपर जो है वो आपका इन्फ्लामेशन मिलेगी और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो इरोजन मिलेगा उनके अंदर और सब म्यूकस हेमरेज भी देखने को मिलता है। और सीड्स जो है इसके ज्यादा दिनों में, ज्यादा वक्त में जो है वो डाइजेस्ट हो पाते हैं, तो इसलिए स्टोमक के अंदर सीड्स भी मिल सकते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, मेडिको लीगल एस्पेक्ट में देखिए एक्सीडेंटल इन चिल्ड्रन, बच्चों में एक जो है इस पर जो सीड लगे हुए होते हैं, इसके ऊपर जो सीड लगे हुए होते हैं उनको खाने की जिज्ञासा होती है, क्यूरिटी सी होती है, तो वो उसको तोड़ के खा लेते हैं, तो बच्चों के अंदर जो है पॉइजनिंग देखने को मिलती है, या गलती से बच्चे जो है, या बड़ा भी गलती से उसको खा लेता है कच्चे बीज को, तो वो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग देखने को मिलता है। और खासतौर से पॉइजनिंग देखने को इसमें मिलता है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग जो है वो वर्कर्स के अंदर मिलता है, उन वर्कर्स के अंदर जो उस फैक्ट्री में काम करते हैं जहां सीड्स से ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ऑयल को निकाला जाता है, तो वहां के वर्कर्स जो है उससे मोस्टली जो है वो आपका एक्सीडेंटल केसेस जो है उनके अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो रेजिड्यूज के संपर्क में रहते हैं। रेजिड्यूज जो है, हालांकि वो चाहे दस्ताने पहन के काम करें, मास्क लगा के भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो धोखे से या गलती से स्किन से उसका रेजिड्यूज अगर टच हो रहा है, तो स्किन के ऊपर टच हो रहा है तो डर्मेटाइटिस, आंखों के अंदर जा रहा है तो वहां पर कंजंक्टिवाइटिस, और अगर नाक के अंदर जा रहा है तो वहां पर राइनाइटिस और एस्थमा, या जो है आपका एलर्जिक कंडीशंस जो है वो आपका अपीयर होती है, और उनके अंदर कभी कभी जो ओवरडोज हो जाती है तो वहां पर डेथ भी देखने को मिलती है, वो एक्सीडेंटली होती है, तो यानी कि फ्रीक्वेंटली वर्कर्स के अंदर जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी जो कास्टर सीड से ऑयल निकालने का या एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। दूसरा, ऑयल लार्ज डोज, यानी कि इसकी अगर ऑयल की लार्ज डोज दे दी जाए तो वो आपका पर्गेशन भी कर सकती है और एबॉर्शन भी देखने को मिलता है, एबॉर्शन भी देखने को मिलता है। इसका पाउडर चूंकि लोकल इरिटेशन पैदा करता है, अभी मैंने आपको बताया कि लोकल इसका जो पाउडर होता है वो आपका लोकल इरिटेशन पैदा करता है, अगर स्किन पे लगा है तो डर्मेटाइटिस, आंख में लगा है तो कंजंक्टिवाइटिस, और नाक में अगर से लगा है तो राइनाइटिस जैसी कंडीशंस जो है वो आपका पैदा कर देता है। डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स उसके रेजिड्यूज के संपर्क में अगर आ जाते हैं तो वो उसको ले लेते हैं तो वो भी आपका पॉइजन का शिकार हो जाते हैं, या कैटल पॉइजनिंग के तौर पर उसको दिया जा सकता है। तो ये था आज आपका कास्टर ऑयल सीड्स पॉइजनिंग यानी कि अरंड की पॉइजनिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स।